चालू करेंगे। ये जो अंदर तरफ काई लगी हुई है तो पास ये आप ये मेरा वीडियो देखते रहिए, मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस एकदम एक बाल्टी पानी चेंज करके कैसे साफ करके दिखाता हूं, एकदम नया जैसे लग जाएगा। जहाँ पे मैग्नेट साफ नहीं कर पाता उसको साफ करने के लिए है, इधर तरफ देखिए, क्योंकि कुछ ज्यादा इकाई लग गई थी इसके लिए, इसको बिना मैग्नेट के साफ कर रहा हूँ। ये देखिए एकदम से साफ हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, एक बाल्टी पानी निकाल लेना है तो कांच साफ हो जाएगा और
मैग्नेट को जब भी आप पानी से निकालें तो इसके बीच में आप ऐसे पेपर लगा दीजिएगा, नहीं इसके गीलेपन से इसका बाहर ये स्पंज लगा होता है कांच पे चिपकता है, ये खराब हो जाता है गीले की वजह से, फिर पैक करके रखिएगा। फिल्टर साफ कर देते हैं, सबसे पहले फिल्टर को बंद कर देते हैं। तो अगर फिल्टर के नीचे तरफ स्पंज में और नीचे डाल के निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसका नीचे वाला हिस्सा निकाल लेते हैं। ये खोलते हैं यहाँ पुश करके ऐसे, और इस स्विच पिन को जो पानी मैंने निकाला था उतना ही दूसरा पानी डालूंगा मैं, वो मैं दिखाता हूँ कैसे डालता हूँ। अब इसमें एनटीएच की 10 बूंदे डाल दी है नए वाले पानी में, और 10 बूंद एंटी क्लोरीन की, अगर आप मछली थोड़ा सुस्त हो या बीमार टाइप के हो तो उसमें आप एंटी फंगस भी डाल दीजिए थोड़ा सा।